आज हम बात करते हैं सीटेट की परीक्षा को कैसे पास करना। सीटेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, क्योंकि अब इस बार से फिर से पेपर सीटेट का जो होना था वो ऑफलाइन मोड में होगा, और ऑफलाइन मोड में होने के साथ कुछ लोगों ने इसके पहले ऑनलाइन पेपर दिया तो कहीं ना कहीं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। खासकर जो ग्रामीण प्रदेश के बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, उनके लिए सबसे बड़ा समस्या था ऑनलाइन को लेकर। लेकिन अब जब से ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन पेपर होने जा रहा है तब से उनको आसान लगने लगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं, बहुत सारे ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इस परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करा सकती है। यूं बिना पढ़े तो कुछ नहीं होना, लेकिन पढ़ने के साथ साथ परीक्षा हाल के अंदर प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका जितना बेहतर होगा आपके सिलेक्शन होने की संभावना उतना ज्यादा बढ़ जाती है, यूं कहें हम उतना बेहतर हो जाती है। आज के सेशन में हम ये बात करेंगे। सबसे पहले अगर क्रम और रूप से अगर हम बात करें सभी तथ्यों का, तो सबसे पहली बात जो हमारे मन में और आपके मन में आती है वो ये आती है कि ऑफलाइन पेपर कैसे हल करें। पेपर हल करने के लेकर भी हमारे मन में बहुत सारे जेहन में सवाल आते हैं कि ऑफलाइन पेपर को कैसे हल करना है, क्योंकि जब भी परीक्षा हॉल में जाएंगे आपके पास पांच सेशन होता है, मतलब पांच सेक्शन चूज करना होता है। उसमें भाषा को लेकर ऑफलाइन पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, उसके लेकर हम एक सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे। ऑफलाइन जो पेपर होगा यहाँ पर आपके पांच सेशन होते हैं, इन पांचों सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है। जैसे इन महत्वपूर्ण बातों की अगर हम बात करें तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, अंत तक बने रहिएगा। अगर आप सीटेट पास करने के नाते इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने जा रहा है। जब भी सीटेट की हम बात करते हैं, सीटेट अगर हम यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सीटेट प्राइमरी की बात करें, मैंने 1-5 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पांच सेक्शन होता है। जो पहला होगा ये सभी के लिए होगा, यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको। जो पहला सेक्शन होगा ये पहला सेशन, ये है आपका सीडीपी। यहाँ पर आपके 1 से लेकर 30 तक के सवाल होंगे, 30 प्रश्न होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हम नकारात्मक अंक नहीं होगा। अब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव माने सकारात्मक नकारात्मक वाक्य देखना है। बच्चों को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, उन्हें समझाना कि बच्चा सीखने के लिए है। एनसीएफ 2005, आरटी 2009, वाइगोत्स्की, पोलबर्ग और अधिगम के सिद्धांत, यहाँ तो प्रीवियस से अगर पेपर आपने पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। प्रश्नों की संख्या आपकी 30। दूसरा सेक्शन अगर हम बात करें, इसके तुरंत बाद जो आपको अगला मिलने वाला है, यहाँ से आपको गणित का सेशन मिलना है, मतलब मैथ की बात करें। अगर पेपर फर्स्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा आपका मैथ होगा। मैथ भी क्या होगा, ये होगा 31 से लेकर 60 तक, यहाँ भी आपके लिए 30 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। इसमें भी अगर हम बात करें तो 15 प्रश्न जो है शिक्षण के होते हैं और 15 प्रश्न गणित के होते हैं। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी के बाहर यहाँ पे परीक्षा में सवाल नहीं पूछे जाते। तीसरा सेक्शन जो होता है अब ईवीएस का होता है, कई बार ईवीएस सेकंड में जाता है और मैथ थर्ड में जाता है। अब यहाँ पर आपका ईवीएस, या ईवीएस अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 61 से 90, यहाँ पे भी 30 सवाल हो गए। अब इस ईवीएस में भी 15 नंबर के शिक्षण होते हैं, 15 नंबर के पैडागॉजी होती है, मतलब शिक्षण होता है। अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा या अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो इससे बाहर आपके परीक्षा में एक भी सवाल आने वाले नहीं है, इनको ही आपको फोकस करना है, इन पर ही आपको अपना बेस्ट और बेहतर देना है। अगर मैं इसके आगे बात करूं, इस सेशन में कुछ और चीजें पढ़ने की मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ अन्य बातें भी आती है। अब भाषा को लेकर, अब हम भाषा को लेकर बात करते हैं, तो जब भाषा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है। जैसे यहाँ पे भाषा की बात करते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगा, भाषा, लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भाषा होगा वो दो तरह से होगा। यहाँ पे भाषा जो है ये दो है, यहाँ पर हम चौथा जो खंड होगा आपका इसमें होगा भाषा फर्स्ट, लैंग्वेज आपका, यहाँ पे जो आपकी भाषा है। आप इसमें से सीटेट में जो 22 भाषा होगी ऑफलाइन पेपर, उसमें से किसी एक भाषा का आप चयन कर सकते हैं, कोई भी भाषा का चयन कर सकते हैं आप। और लेकिन जो भी भाषा चयन करेंगे भाषा फर्स्ट में, वह प्रश्न आप हल करेंगे 91 से लेकर 120 तक, मतलब यहाँ पर भी आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं 30। यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 30 होगी, लेकिन ध्यान रहे ये भाषा प्रथम होगी, ये भाषा क्या होगी फर्स्ट होगी, ये पहला भाषा होगा, ये होगी भाषा फर्स्ट। अब हम बात करते हैं भाषा सेकेंड की, अगर भाषा सेकेंड की बात करेंगे हो जाएगा 5। अभी मुझे जो समझाना है वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे जो लैंग्वेज सेकंड है आपका, अब यहाँ पे जो लैंग्वेज सेकंड है वो होगा आपका 121 से लेकर 150 तक, यहाँ पे भी 30 प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल 150 प्रश्न आपको है और 150 प्रश्न पूरे करने हैं। लेकिन सर ये तो हमें पहले से ही पता था, आप हमें नया क्या आपने बताया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर भाषा फर्स्ट की बात करें
अगर हम भाषा फर्स्ट की बात भाषा की बात करें, अगर हम मान लेते हैं हिंदी, अगर हम मान लेते हैं हिंदी, अगर हम भाषा के एक छोटा सा एग्जांपल लें कि यहाँ पे हिंदी की, अगर आपने इस हिंदी को देखेंगे तो आपको ये परीक्षा में दो तरह से मिलेगा, हिंदी फर्स्ट भाषा में और सेकंड। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक नई चीज जानने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला होगा वो 91 से 120 होगा, दूसरा होगा 121 से 150। अब आप कहेंगे सर हमें कौन सा करना होगा, परीक्षा में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगा इसी से लेकर। मैंने ये टिप्स अगर आपको नहीं पता है तो सीटेट का पेपर सबसे ज्यादा जो खराब होने वाला संभावना होती है वो यहीं से होती है। मतलब हिंदी भी दो बार रहेगी, 91। अगर आपने अपने प्रवेश पत्र में भाषा फर्स्ट रखा है तब इसको सॉल्व करेंगे, इसको नहीं। अगर आपने भाषा फर्स्ट में रखा, अगर आपने इसको फर्स्ट में रखा है तब, अगर आपने सेकेंड में भाषा रखा है तब इसको नहीं सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है, अगर आपने हिंदी रखा हो, अगर मैं सपोज दे संस्कृत की बात करूं, इसमें भी देखिए फर्स्ट हो गया और सेकंड। अगर भाषा फर्स्ट संस्कृत की बात करेंगे तो यहां पर ये 91 से 120, और सेकंड की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा 121 से 150। अगर आपने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में चूज किया है तो आपके पेपर में 100 फर्स्ट भी रहेगा, संस्कृत सेकंड भी रहेगा, लेकिन जो आपको संस्कृत सॉल्व करना है इसके लिए आपको अलग से बुकलेट मिलेगी, इसके लिए एक अलग बुकलेट आपको मिलेगी। अगर आपने भाषा संस्कृत का चयन किया हो जाएगा तो आपको दो बुकलेट मिलेगी, उस बुकलेट में 91 से 120 भी होगा और 121 से 150 होगा। मतलब आपको दो जगह प्रश्न देखने को मिलने वाले, आपको सॉल्व कौन से करना है। अगर आप द्वितीय लैंग्वेज के रूप में लिया है तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे द्वितीय लैंग्वेज में आपको यह कतई नहीं सॉल्व करना है, आपको 121 से 150 सॉल्व। अगर आपने हिंदी की जगह संस्कृत अंग्रेजी लेकर रखा है, अंग्रेजी आपके पेपर में होगा। अगर मैं आप इंग्लिश की बात करें, सपोज दैट अगर आपने इंग्लिश लेकर रखा हो, अगर आपने अंग्रेजी रखा हुआ है इंग्लिश में भी सेम पैटर्न ही होगा, यहाँ पे दो भाषा होगा फर्स्ट और सेकेंड। अगर आपने भाषा फर्स्ट में, इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, अगर भाषा फर्स्ट में आपने 91 से 120 और 121 से 150, अगर आपने इंग्लिश को भाषा द्वितीय ग्रुप में लिया है तो ये चूज करेंगे, और हो सकता है कि भाषा फर्स्ट में अगर आपने इंग्लिश लिया है तब को इसको चूज करना। मतलब प्रत्येक भाषा सीटेट में दो दो बार रहता है। आप कहेंगे सर दो बार रहेगा, मुझे कौन सा करना है। अगर आपने भाषा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने भाषा फर्स्ट जो भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, असमिया, उड़िया हो, कोई भी भाषा अगर आपने प्रथम रखा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा आप 91 से 120 सॉल्व करेंगे, ये भाषा फर्स्ट के रूप में। अगर आपने जिस भी भाषा को, चाहे वो दो बार ही दिया गया हो, अगर आपने जिसे द्वितीय भाषा के रूप में रखा है वो आप 121 से लेकर 150 सॉल्व करेंगे। क्योंकि ऑफलाइन पेपर में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होगा, जो अपने सीटेट देने जा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा समस्या खड़ा कर देगा। अब आपको मैं समझाऊं, जैसे मान लीजिएगा किसी ने संस्कृत को पहले रख दिया भाषा में, हिंदी को दूसरा रख दिया है, तो संस्कृत का वो पहला सेक्शन हल करेगा 91 से 120 वाला, लेकिन और हिंदी का जो है वो पहला नहीं सॉल्व करेगा, वो सॉल्व करेगा 121 से लेकर 150 वाला। लेकिन ज्यादातर लोग करते क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हिंदी को, जैसे हमारी एक सपोज दैट हिंदी को फर्स्ट कर लेते हैं या संस्कृत को सेकंड कर लेते हैं और या तो इंग्लिश को सेकंड कर लेते हैं। तो अगर हिंदी को लिया है तो यहाँ 91 से 120, अगर संस्कृत को द्वितीय भाषा लिया है तो पहला भाग नहीं करेंगे उसका, द्वितीय भाग करेंगे, मतलब वहां पर 121 से 150 होगा, यहाँ पर भी 121 से 150 होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि द्वितीय भाषा और प्रथम भाषा में कोई भी कहीं दिक्कत ना हो, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, इसके लिए एकदम परेशान आपको नहीं होना है कि सर एसीडीपी के बाद ईवीएस आता है, फिर मैथ आता है, ऊपर नीचे। मेन जो आपका कॉन्सेप्ट समझाना था वो मुझे भाषा को लेकर समझाना था। अब जरा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को पता समझ में आ गया कैसे क्या करना है। इसके आगे मैं चलूं, देखिए
हाँ देखिए टेलीग्राम पर इसकी पूरी प्रैक्टिस सेट पड़ी है, क्योंकि आप ऑफलाइन पेपर देने जा रहे हैं तो आपको उसकी प्रैक्टिस सेट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सीटेट की प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग दुर्गेश की प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर विस्तृत उत्तर के साथ है और उसके साथ OMR है। क्योंकि ऑफलाइन पेपर देने जा रहे हैं तो आपके सामने ये दिक्कत ना हो पाए कि पेपर हमें कैसे देना है, कहीं कोई गलती ना हो पाए, क्योंकि परीक्षा हाल के अंदर एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को झेलना आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, और OMR सीट को कैसे भरना है ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस प्रकरण में आप यहाँ पे जाएंगे, आपको पूरी तरह से मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और ई लर्निंग दुर्गेश ऐप से भी मिल जाएगा, ठीक है। और नोट्स PDF आपने लिया होगा, या तो सीटेट के शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो भी नोट्स आपको चाहिए वो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब यहां पर हम आगे बात करेंगे, अगर आपने पेपर सेकंड की बात कर रहा हूं, पेपर सेकंड चाहे SST हो चाहे आपका सोशल मैथ साइंस हो, अब यहां पर देखिए उसमें भी भाषा को आपको इसी तरह सॉल्व करना है, क्योंकि पहला जो सेशन होगा वो CDP का 1 से लेकर 30 तक होगा, उसके बाद अगर साइंस मैथ वाले हैं तो साइंस मैथ आपको सॉल्व करना है 31 से लेकर 90 तक, क्योंकि 60 सवाल जो होंगे वो आपका होगा पेपर सेकंड का। अगर आप कह दो पेपर सेकंड का भी मैं समझा दे रहा हूं, लैंग्वेज आकर वापस यहां पर मैं बता दूंगा। अब अगर सीटेट पेपर टू की बात करें, मैं यहां पर सीटेट पेपर सेकंड की अगर हम बात करें, जिसे हम जूनियर का कहते हैं, मतलब हम जूनियर सीटेट के नाम से जिसे हम जानते हैं, यहाँ पर दो तरह का पेपर होगा। मतलब यहाँ पे जो पहला भाग होगा, अगर मैं पहले भाग की बात करें तो CDP होगा, CDP प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक, मतलब यहाँ पे 30 सवाल आपके CDP के होंगे। दूसरे अगर हम बढ़े तो दूसरा जो होगा आपके लिए वो होगा SST हो सकता है या मैथ साइंस। ये जो सवाल होंगे, ये सेशन जो होगा यहां से 31 से लेकर 90 तक, मतलब यहां पे जो सवालों की संख्या होगी वो 60। और ऊपर अगर हम बात करें, ऊपर प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 30 थी, तो 60, 30, 90 हो गए। अब भाषा के लिए सेम प्रक्रिया आपको यहां समझना होगा, अगर आपने भाषा प्रथम लिया है, अब यहां पे जो खेल शुरू होगा वो होगा भाषा का। अगर भाषा फर्स्ट में जो भी आपने लिया है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उड़िया, जो भी आपने भाषा फर्स्ट लिया है, उसके जो सवाल सॉल्व करने हैं वो आपको 91 से 120 वाला सॉल्व करना, मतलब यहां से आपकी परीक्षा में 30 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। अगर भाषा द्वितीय की बात करें, चाहे जिस भाषा को आपने लिया हो, वो आप 121 से लेकर 150 वाला, मतलब यहां पर भी आपको 30 प्रश्न, इस प्रकार कुल आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने हैं। फिर मैं यहां पे बताऊंगा, हर भाषा दो बार दिया होगा। अगर आपने पेपर की अगर बात करो, जो पेपर में भाषा रहेगा, पहले से मान अगर हिंदी लिया आपने, सपोज दैट अगर आपने भाषा हिंदी लिया हुआ है, तो हिंदी में भाषा जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट वो होगा 91 से 120, और जो द्वितीय भाषा होगी वो 121 से 150 होगी। तो अगर आपने भाषा फर्स्ट को हिंदी में रखा हुआ है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भाषा फर्स्ट को हिंदी में रखते हैं, तो अगर भाषा फर्स्ट आपने हिंदी में रखा है, फर्स्ट भाषा, तो 91 से 120 सॉल्व कर। उसी पेपर में अगर आपने अंग्रेजी लिया हुआ, इंग्लिश लिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी भी उसी पेपर में रहेगा, वो रहेगा 91 से 120 और 121 से 150। लेकिन अगर आपने यहां पर द्वितीय भाषा के रूप में इसको पढ़ा है, या इसको द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप अगर द्वितीय भाषा अंग्रेजी आपने लिया है, आपको जो सॉल्व करना है वो 121 से लेकर 150 तक। लेकिन अगर आपने संस्कृत लिया है, चाहे सीटेट पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, सीटेट में अगर आपने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में लिया है, संस्कृत, संस्कृत में क्या अलग से इसकी बुकलेट मिलती है, इसकी जो बुकलेट है अलग से मिलती है। कुछ लोग कहेंगे सर क्या सीटेट पेपर में दो पेपर मिलेगा, हाँ, अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी भरा है तो आपको एक पेपर मिलेगा, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। लेकिन अगर आपने संस्कृत लिया है तो सॉल्व करते रहने के साथ आप जल्दी से हिंदी और वही सॉल्व करने के बाद अंग्रेजी मत घुस जाइएगा, घबराइएगा भी नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, हिंदी पेपर फर्स्ट सॉल्व करते हैं और हिंदी सेकंड सॉल्व करना शुरू करते हैं संस्कृत की जगह, तो उनका पेपर खराब हो जाता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना यह है कि संस्कृत की अलग से बुकलेट मिलती है, इसके लिए क्या होती है, अलग बुकलेट होती है। मतलब सीटेट में दो बुकलेट मिलेगी ऑफलाइन पेपर में, सीटेट की अलग बुकलेट होती है भाषा की। अब यहां पर भी आपको सेम प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया का मतलब क्या है, अगर आपने संस्कृत फर्स्ट ले रखा है,
तो आप 91 से 120। लेकिन प्रायः होता क्या है, लोग इसे द्वितीय भाषा के रूप में रखते हैं। प्रायः अगर मैं बात करूं, क्योंकि हो सकता है आपने प्रायः वाला सेंटेंस आपके लिए ना हो, तो यहां पर आपको अगर आपने द्वितीय भाषा संस्कृत रखा है तो आपको। अब आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सीटेट में भाषा का चयन कैसे करना है, क्या आपको समझ में आ गया। चार्ज वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चार्ज वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी आप देख रहे हैं, एक सेशन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि सीटेट में भाषा का चयन कैसे करना है, पेपर फर्स्ट में पेपर सेकंड में। वो मैंने पूरी अच्छी तरह से आपको समझा दिया। और इसकी जो प्रैक्टिस सीट की चाहिए सीरीज, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पर आपको दुर्गेश्वर सर्च करना है, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, वहां से आपको मिल जाएगा। सीटेट के साथ साथ शिक्षक भर्ती, केवीएस, इन सभी के नोट भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम से या ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको पेपर सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ओमार शेडो कैसे भरना है, उसके लिए अलग से मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, वहां पे मैं आपको एक करके क्रमवार रूप से मैं बता दूंगा। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, सुपर टेट की नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, अगर आप सुपर टेट की नोट्स के संबंध में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो। आपको पहले सीडीपी मिलेगा, फिर मैथ ईबीएस या ईबीएस ऊपर के मैथ नीचे हो जाएगा। भाषा, पहली भाषा अगर आपने अंग्रेजी दूसरी भाषा ली है तो आपको एक ही बुकलेट मिलेगी, लेकिन अगर आपने संस्कृत लिया है तो आपको दो बुकलेट मिलेगी। मैंने संस्कृत के लिए अलग बुकलेट होती है, इसके लिए अलग बुकलेट, इसके लिए अलग बुकलेट मिलती है। तो हो सकता है अगर द्वितीय भाषा जो रखे, चाहे जो संस्कृत, असमिया, हिंदी, उड़िया, अंग्रेजी, कुछ भी हो, द्वितीय भाषा अगर आपने लिया है तो द्वितीय वाला सॉल्व करेंगे। यह गलती प्रायः ज्यादातर लोग करते हैं। पेपर में क्या है, सॉल्व करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम एक बार फिर से आते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा, ओएमआर भरते समय क्या क्या ध्यान रखे। इसके लिए मैं आपके सामने ओएमआर शीट लेकर आऊंगा और उसकी वीडियो में विधिवत आप तौर पर बना दूंगा, ताकि ओएमआर वाला जो दिक्कत है, समस्या सॉल्व। देखिए, आपने जो आपके पास आपका एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र, उसको ध्यान से रखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर ध्यान से भरकर गोला ध्यान से भरेगा। अगर आपने गोला ध्यान से नहीं भरा तो गलती कर जाएंगे। ब्लैक पेन यूज करना है आपको, और उसके साथ साथ भाषा का ध्यान रखिएगा। जब ओएमआर शीट फिल करिएगा तो मैं फिर से कहूंगा, भाषा को ध्यान से भरिएगा, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको दूसरी जो बुकलेट मिलेगी, चाहे संस्कृत की चाहे जिस भाषा की, उसमें पहली बुकलेट और संस्कृत वाली बुकलेट दोनों का नंबर सेम हो, दोनों की बुकलेट क्रमांक सेम होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, दोनों की बुकलेट, जैसे अगर आपको मान लीजिए डी मिला है तो वो भी डी ही होगा। अगर हो सकता है आपको यम मिला हो तो संस्कृत वाला बुकलेट भी यम ही होगा। अगर प्रथम बुकलेट ये है और द्वितीय बुकलेट जो भाषा की, तो यम ही होगा। कभी बार क्या होता है, जो बांटने वाला हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सौरभ बैठे हैं, गोलू बैठे हैं, मुन्ना बैठे हैं, सौरभ का संस्कृत है, गोलू का अंग्रेजी है, फिर संस्कृत है, तो दोनों को संस्कृत पकड़ा दिए, तो क्रम गड़बड़ हो जाता है और अभ्यर्थी तुरंत उसको भर लेता है मार्कशीट पे। तो अगर आप अभ्यर्थी के तौर पर मार्कशीट भर रहे हैं तो ध्यान से मिलान कर लीजिएगा कि बुकलेट नंबर आपकी सेम है कि नहीं है। कई कक्षा में जब तक कच्छ निच्छक वापस आएगा, यार मेरी गलती हो गई है, लेकिन वो तो आपका करियर खराब कर देगा, वो तो आपको बर्बाद कर देगा, ठीक। लेकिन इसलिए आप इस बात को ध्यान में करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखे रहेंगे तो आपके काम आएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ये अंतिम समय के लिए रामबाण वीडियो है। दूसरी बात, यहाँ ओएमआर भरते समय ध्यान रखना है, भाषा का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। कुछ लोग करते क्या है, जब भाषा फर्स्ट को भर लिया, जैसे मान लीजिए हिंदी भर लिया, द्वितीय जब शुरू होगा तो उसी में आगे बढ़ जाते हैं, फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं और जब उसको गोला करने लगते हैं, उनको लगता है ये तो फिर से 91 मेरा आ गया, फिर जो भाषा सॉल्व करना शुरू करते हैं संस्कृत दूसरा, टाइम खत्म हो जाता है। इसलिए पेपर को सॉल्व करते समय इस बात का विशेष ख्याल करना है कि भाषा फर्स्ट सॉल्व कर रहा है, सेकंड उसको गोला कर लीजिएगा, बल्कि